मेरे हस्बैंड बात ही नहीं मानते, ना मेरा ना मेरे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इनको जाना है आज कहीं, फिर से हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब भले चंगे होंगे गाइज। तो इधर मैं देखिए सुबह में नाश्ता में बनाई थी बेटी को देने के लिए, लंबा लंबा भिंडी को मसाले जैसा, उसको पसंद है तो इसी तरह से। इधर मैं मसाला तैयारी कर रही हूँ केस के लिए, मैं बता रही हूँ। देखिए पहले मसाला देख लीजिए, इसमें मैं लहसुन, सरसों, पीली वाली, धनिया पत्ता का डंठल वगैरह और लाल मिर्ची, मतलब हरी वाली लाल मिर्ची हो गई है, और वो काली मिर्च और जीरा का पेस्ट बनाकर देखिए मैं रेडी कर ली हूँ बिल्कुल पेस्ट बारीक। ये अरबी के पत्ते हैं और इसको मैं बारीक काट कर डंठल वगैरह निकाल कर इसको अच्छे से धो ली थी। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी में 5 मिनट तक उबाल ली हूँ। इससे क्या होता है, अगर आप अरबी के पत्ते की सब्जी बनाओगे तो टेस्टी बहुत लगता है। और इसमें देखिए मैं आमचूर डाल रही हूँ। कोई कोई पत्ते क्या होता है, मुंह को नहीं खाँचता, यानी नोचता है बोलते हैं हम लोग बिहारी टाइप में, आप लोग क्या बोलते हो बताना। तो नोचता है गले में अगर सब्जी खाओगे तो, पकौड़ी तो और ना ज़्यादा नोचता है। तो इसमें देखिए जो मैं मसाला पीसी हूँ वो डाल दी हूँ। उसमें लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और बेसन और हल्दी पाउडर डालकर मैं अच्छे से मिक्स करके उसको पकौड़ी तल लूँगी, और नमक स्वाद के अनुसार। और अगर चाहे तो आप पत्ते पे भी लगा कर उस तरह से भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये इजी पड़ता है मुझे। तो मैं, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, तो मैं ज़्यादातर तो आदमी सासू माँ या माँ से ही सीखता है कुछ भी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो, लेकिन अगर नहीं बनाते हो तो इस टाइप से बनाना, इसका बिल्कुल आपको डिफरेंट सब्जी लगेगा, और इसका पत्ते का नोचता भी नहीं आप गले में। देखिए मेरा पकौड़ी बनकर बनाने के लिए रेडी हो गया है बैटर। और इसको मैं देखिए छोटा छोटा इसमें मैं डाल देख के तल लूँगी। थोड़ा मीडियम ही आंच पे रखना, नहीं तो हाई पे क्या होता है अंदर से कच्चा रह जाएगा। इधर मेरा पकौड़ी तल के देखिए रेडी हो गया है, और मैं इसको हल्का ब्राउन टाइप का कर ले रही हूँ, क्योंकि जैसा आप बनाना चाहते हो, आप ज़्यादा लाल नहीं करना चाहते हो। मैं पकौड़ी में हम लोग खाते भी हैं, इसीलिए तो मैं आमचूर पाउडर डाली थी। और देखिए दूसरे कढ़ाई में मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और इधर मैं सरसों का तेल में जीरा, राई और तेज़पत्ता का फ़ोरन डालकर इसमें एक मीडियम साइज का प्याज डालकर मैं उसको, और देखिए हींग डाल रही हूँ। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मैं तो ज़्यादातर सब्जी में हींग डालती ही हूँ। इसको मैं फ्राई कर लूँगी ओनियन को। सो गाइस, जो मैं मसाला पीस कर रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और इसमें बस एक टमाटो डाली थी, क्योंकि ज़्यादा अब इसमें मसाला की ज़रूरत नहीं है जो मैं पीसी थी। एक लाल मिर्ची डाल रही हूँ तीखी वाली। इधर देखिए मेरा मसाला सटने लगा और तेल भी छोड़ने लगा, तो ऑलरेडी मेरा मसाला बन के डन है। और जो मैं पकौड़ी वाला थोड़ा बेसन का घोल बचा था वो मैं साथ में डाल दे रही हूँ। और जितना आपको ठीक रखना, मैं तो पतला ही रखी थी क्योंकि मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है ये सब्जी। तो मेरे पास तो मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बनाई थी तो बोल रहे थे कि हाँ यार, हमको तो लगा कि गले में नोचेगा, इसी से वो डरते हैं खाने में, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। देख सकते हो पकौड़ी भी मैं ऐसे भी खाती हूँ। इधर बीच बीच में मैं सब्ज़ी, जब तक मेरा खोल रहा था मैं झाड़ू कर ले रही हूँ, और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं। फिर क्या होता है, वो बीच में घूमते रहेंगे तो झाड़ू करने में वो चिल्लाते हैं कि खाना खा रहे हैं तो तुम झाड़ू करती है ऐसे वैसे। तो मैं जब वो बाथरूम में रहते हैं तो उसके बीच में देखिए मैं झाड़ू वगैरह कर ले रही हूँ।
और जब से घर से आई, जब से मत कहिए, काम इतना बढ़ा हुआ है। अभी आई, कितना सामान भी सरियाना है, कपड़े वगैरह, वो सब भी नहीं हो पाता है। सुबह का बस यही खाना, दोपहर में फिर से खाना, क्योंकि हम लोग तीन टाइम ऐसे ही बनाने में बिजी हो जाते हैं। और इधर सिलेंडर वाले भैया, इधर रखती हूँ तो सिलेंडर आया हुआ है मेरा, ख़त्म हो गया था, तो वो सब मैं देखी वहाँ पर क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि सिलेंडर रखा रहता है तो अच्छे से क्लीन वहाँ पर नहीं हो पाता। मेरा सिलेंडर भी मुझे चल जाता है कम से कम 2 महीना, तो इसलिए। इधर मैं उस जो प्लास्टिक था चेंज कर दी हूँ। इधर देख सकते एक चप्पल मैं नया ही ली थी, और क्या हुआ, मैं 6 महीना तक उसको ऐसे ही रख दी। और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं लेती हूँ और रख देती हूँ और कहीं पहन के जाती हूँ और टूट गया था। एक गई थी पूजा में, गृह प्रवेश में, और गई वहीं पर टूट गया, बहुत ही बेइज्जती होना पड़ा। मैं ऐसे ही आई खाली पैर, क्या कर सकते, उसको मैं रखी हूँ संजो कर इसलिए कि मैं सोच रही हूँ उसको चिपकाऊंगी। इधर मेरा झाड़ू हो गया, मेरे हस्बैंड नहा लिए लेकिन ब्रश नहीं किए, तो देखिए वो बाद में ब्रश कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर भूल जाते हैं वो ब्रश करना। इधर ग्रेवी जब तक खोल रहा था, अगर आप ग्रेवी को अच्छे से खोलाओगे तो सब्ज़ी टेस्टी बनता है गाइस। तो देखिए मेरा कम से कम तो 20 मिनट तक मैं धीमा आँच पे बिल्कुल खोलने दी थी। उसके बाद मैं पकौड़ी डालकर, धनिया पत्ता डालकर मैं देखे और उसको ढक दूंगी 2 मिनट, ज़्यादातर नहीं। तो मेरा सब्जी बन के डन हो गया। इधर मैं अपना ब्रश कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पोछा करना है, कपड़ा धोना है, जो बकेट में दिख रहा है वो सब धोना है, और मेरे हस्बैंड फिर ड्यूटी चल जाते हैं, फिर मैं काम पर लगती हूँ। इधर उनके लिए मैं एप्पल निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो नहा कर बैठ गए हैं पूजा कर कर, कभी वो भी कर देते हैं नहीं तो मैं करती हूँ, तो हम कभी तो दोनों लोग कर लेते हैं। देखिए मैं उनको दे रही हूँ, और कुछ मुझे वो दिखा रहे हैं मोबाइल में, क्या मालूम, पता नहीं, मैं नहीं पता, नहीं भूल गई हूँ, तो मैं देख रही हूँ। उसके बाद मैं उनका खाना निकाल दूँगी। गाइस देख सकते हो कितना टेस्टी बना है सब्ज़ी। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो बना के देखना, और बहुत ही टेस्टी बन लगता है सब्ज़ी खाने में। मेरे हस्बैंड को कोई ज़्यादातर पसंद नहीं रहता था, लेकिन मैं अब इससे बनाती हूँ तो बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। ना जानो मुँह नोच रहा है क्या? नहीं, मैं तो वही वेट कर रहा था। हाँ, वीडियो कितना बना था, तो अच्छा बना है। चावल के साथ मजा आएगा, अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा ग्रेवी जैसा बना दिए चावल के साथ। और अच्छा, इधर मैं नहा धोवा कर आ गई हूँ, और मुझे नहाते नहाते करीब 11 बज गया था, क्योंकि साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह करते करते बर्तन वगैरह धोई, कढ़ाई वगैरह। उसके बाद देखिए मेरे पास जो एक चम्मच होता है ना जल ढारने का, वो मुझे लेना है, तो मैं फ्लावर से ही जल ढारती हूँ, बोलते हैं हाथ से नहीं डालना चाहिए। और मैं पूजा कर ले रही हूँ, डेली का वही पूजा है गाइस। पहले मैं प्रसाद नहीं चढ़ाती थी, लेकिन अभी किसी ने मुझे बताया कि भगवान जी को डेली प्रसाद, जैसे खुद खाते हैं पर भगवान को प्रसाद नहीं लगाओ तो अच्छा नहीं होता है, तो मैं अभी मंगा कर क्या बोलते बादाम और किशमिश और मिश्री सबका रख ली हूँ एक डब्बे में, और मैं डेली भोग लगाती हूँ और शाम को आरती के समय, नहीं तो मैं दूसरे दिन फिर उतार कर हम लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। देखिए मैं प्रसाद रख रही हूँ, बस ऐसे ही पूजा होता है डेली का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हो गए, सब भले चंगे हो गए गाइज। तो अभी देख सकते हो टाइम हो रहा है, ज़्यादा 5 होने वाला है, और इधर मेरी बेटी है, स्कूल से आज लेट से आई, क्योंकि इसका छुट्टी ही अभी
क्या हुआ, कोरोना की वजह से भी बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और अभी बारिश इधर महाराष्ट्र में हो रहा था, तो किसी की वजह से ना स्कूल थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास मैम करवा रही है, तो ये कहाँ 1 बजे इसका छूट जाती थी, और अभी 3 बजे मैम छोड़ रही है, तो थोड़ा मेरी बेटी थक भी जाती है ना बेटा, थक जाती है ना। और आई है अभी, आके देखिए सिर्फ बनियान पे ही है, इसको थोड़ा खाना खिला रही थी, और अभी खाएगी आइसक्रीम। आइसक्रीम बोलो आप लोग भी लीजिए। हाँ आप लोग भी लीजिए। आप लोग को दे रही है, लीजिए लीजिए, आप खा लो, 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 पहले आप खा। मेरी बेटी का देखिए, इसके पापा नहीं ले गए, वो मार्केट जा रहे थे, मेरे हस्बैंड बात ही नहीं मानते, ना मेरा ना मेरी बेटी का, इतना बोली कि ले चलिए पापा, और लेके नहीं गए, उसके लिए रो रही है इतना। अरे मेरी बेटी देख सकते हो, कपड़ा वपड़ा सब लेके आ गई थी कि मामा मुझे पहना दो, और नहीं बेटा। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इनको जाना है आज कहीं, फिर से हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, अभी तो हम आए ही हैं और तुरंत हम लोग को छोड़ के भी जा रहे हैं, और इस बार तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अब जानते हैं वो, उनको जाना है शाम को, अभी 7 बजे निकलना है, शिरडी से निकलेंगे वो, क्योंकि उनका ट्रेन है मुंबई के लिए, और मेरे हस्बैंड का अवार्ड मिल रहा है, ये दूसरा अवार्ड है रेलवे में, और ये ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि जो ऊपर के साहब लोग होते हैं उन्हीं लोग डिसाइड करके देते हैं कि कौन अच्छा काम किया है ये 4 साल 5 साल में, और उनको निकलना था, तो इसी के लिए कुछ सामान ला के जा रहे हैं खाने के लिए, और ऐसे सर्फ वगैरह नहीं था, इसका जो कान दिखाई थी डॉक्टर से, तो दवा लाने गए हैं मेडिसिन, वही डॉक्टर से पूछकर 5 दिन में बुलाए थे, तो इसलिए नहीं ले गए, क्योंकि देख सकते हो 6 बजने वाला है, और वो आएंगे अभी, हमको उनके लिए नाश्ता भी बनाना है, तो कान देखिएगा है, जिसका कान का पीछे से था, तो पीछे भी देख सकते हो, पीछे में भी सूख ही गया है मैक्सिमम। अच्छा लग रहा है हम लोग को कि कम से कम चलो कान सूख जाएगा तो मेरी बेटी पहनेगी जो सोना के नानी दी है गिफ्ट में, आप लोग को दिखाई भी नहीं हूँ, दिखाऊंगी सो गाइज, उसका मैं तो फुसला मेरे। कर कान पर क्रीम रख दे रही हूँ, और अगर वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे गाइज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मेरा न्यू ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।